अब देखो कि इस वाली केस के अंदर जो खादिम से, तो कभी भी अजमेर गैंगरेप लिखा होता है, अजमेर दरगाह गैंगरेप नहीं लिखा होता। आप सोचो अगर यही सारे कोई पुजारी होते तो क्या क्या लिखा होता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, आज भी नहीं लिखा है, जजमेंट के बाद भी नहीं लिखा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करती है कि हमारी जो लश्करे मीडिया है वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। विकिपीडिया के पेज पे जाओगे भी वहां भी यही लिखा है, अजमेर रेप, अजमेर दरगाह रेप नहीं लिखा है। जबकि जो खादिम्स है, खादिम्स का मतलब जो चिश्ती के पिल्ले है, और चिश्ती कौन, जिसने पृथ्वीराज चौहान की वाइफ को फौजियों के सामने भेज दिया, उसके जो दरिंदे थे उसके सामने फेंक दिया ताकि वो उसके गैंगरेप कर सके। तो गैंगरेप करना इनकी खून में है। गैंगरेप करना अरब के अंदर डेवलप हुई थी और ये इस्लाम की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, गैंगरेप। और ये है वो दरिंदे। अगर आप इसके क्रोनोलॉजी पे जाएंगे तो भैरव सिंह शेखावत उस टाइम पे सीएम हुआ करता था। इसकी पहली जो रिपोर्ट है वो 1992 में आई थी, एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी, लेकिन उस जर्नलिस्ट के रिपोर्ट पब्लिश करने से 6-7 महीने पहले से पुलिस वालों को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसका आंसर ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो खुद इस चिश्ती, जो अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती था, इनके साथ वो लीगल काउंसलिंग करा करता था, वो खुद अपनी काम के लिए इनसे सजेशन लिया करता था। और ये दोनों कौन थे? ये दोनों कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। फिर क्या हुआ, 2001 में जब वहां की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया, मासूम लोग थे, बाइज्जत बरी कर दिया। मोडस ऑपरेंडी क्या थी? मोडस ऑपरेंडी ये थी कि एक 12th क्लास की लड़की थी, उसे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना था। ये जो चिश्ती था, ये चिश्ती कांग्रेस का लीडर था, तो चिश्ती ने लड़की को पकड़ा, उसको बहलाया फुसलाया, गैंगरेप करा, फोटो ली, और उसको कहा कि अगर तुम्हें ये पता करना है, अगर तुम्हें ये चाहिए कि फोटो पब्लिश ना हो तो अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ। और फिर आगे जो लड़की आई उसके साथ भी ऐसे ही करा, उसे भी कहा कि अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ। तो ऐसे करते करते 300 हिंदू लड़कियां इसके चपेट में आ गई। और ये सब कुछ होता रहा करीब 1 से 1.5 सालों तक, 92 में ये सामने आते, लेकिन स्टार्ट हो जाता है ये 90s के अंदर में। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी था, और जिसने इसको लाने की कोशिश करी वो नवज्योति पेपर का एडिटर था, दीन बंधु चौधरी। लेकिन इस वाले केस में एक सवाल हमेशा होता है कि अगर बीजेपी का सीएम था तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया? आंसर ये है, बीजेपी के सीएम ने एक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो लोकल एसपी था, एसपी से लेकर थानेदार तक, आप ये समझ लो कि जब आईजी आके ये कह रहा है कि लड़की का कैरेक्टर खराब है और ये बहुत बड़ा केस नहीं, छोटा मोटा केस है, एक आधे लोग इसमें इन्वॉल्व है, मतलब एक आधी लड़की इन्वॉल्व है, ये छोटा मोटा केस है, तो आप अंदाजा लगा लो कि किस हद तक पुलिस उसके इन्फ्लुएंस के अंदर थे। पुलिस को शुरू से लोग कहते हैं बिके हुए। उस केस में उन्होंने वही अपना चरित्र दिखाया कि ये सारे के सारे बिके हुए मुल्लों के पैसों पे नाचते, तो पुलिस उनके पैसों पे नाच रही थी। फिर जब 1-1.5 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो भैरव सिंह शेखावत ने इसे सीआईडी को सौंप दिया। फिर सीआईडी वाले जब एंटर करते तो उन्होंने इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करा और तब केस फाइल हुई। लेकिन कोर्ट है ना, कोर्ट ने कह दिया सारे बेगुनाह है, भैया छोड़ दो इनको। 2003 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन ले ली। वो सुप्रीम कोर्ट जो 1990 में कुछ नहीं कर पाई थी, उसने 2003 में भूल सुधार करा, उसने एक्शन ली। लेकिन आप ये सोचो कि अगर कोर्ट ये पूछती है कि पुलिस वाले इतने साल क्या कर रहे थे, तो कोर्ट खुद क्या कर रही थी? 2003 से लेके 2024 21 साल होते, अगर 21 साल बाद जजमेंट होती है तो आप इसे बंद कर देना। मतलब अगर कोर्ट के अंदर 21 साल बाद जजमेंट होती है, उसे बंद कर दे, गाने वाने बजाए इसमें।